दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूट्यूब बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। हिमाचली कल्चर संजोए रखने में जीनियस स्कूल निभा रहा है अहम भूमिका, नंदलाल गर्ग। स्कूल के समापन समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड संगीत विशेषज्ञ। देर शाम तक चला प्रोग्राम, परिजनों ने बच्चों की प्रस्तुतियों का उठाया लुत्फ। यूपी बुलेटिन लाइव सोलन से विशेष संवाददाता रविंद्र गांधी की रिपोर्ट। सोलन, हिमाचल, हमारा कल्चर खत्म होता जा रहा है, हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी परंपराओं और संस्कृति को संजोए रखने की बेहद आवश्यकता है। खुशी इस बात की है कि आज भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जो हिमाचल के कल्चर को संजोए और आगे बढ़ा रहे हैं। जीनियस ग्लोबल स्कूल ऐसा ही एक संस्थान है। यह बात लोक संगीत विशेषज्ञ 92 वर्षीय राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड प्रोफेसर नंदलाल गर्ग ने स्कूल समारोह के समापन पर कही। उन्होंने कहा कि बच्चों ने कार्यक्रम में जितने भी प्रस्तुतियां दी, उसमें समस्त भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति व परंपरा की झलक देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रस्तुतियों को देख मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसा कार्यक्रम तैयार करवाने के लिए स्कूल टीचर सहित बच्चों ने खासी मेहनत की है, जो काबिले तारीफ है। स्कूल के इस कार्यक्रम में आकर खासे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेशन होने की बात पर कहा कि वह बचपन से कला संस्कृति के लिए काम करते आए हैं। प्रदेश की संस्कृति को पूरे देश के साथ साथ विदेशों तक पहुंचाया है। प्रदेश में पहले लोक संगीत पुरस्कार के लिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने की बेहद खुशी है। वो आने वाले दिनों में हिमाचल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मुख्य अतिथि ने मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया। दूसरे सेशन में मचाया धमाल। समारोह का दूसरा सेशन भी धमाकेदार रहा, जिसमें सीनियर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। देश के अलग अलग राज्यों की झलक बच्चों के नृत्य में देखने को मिली। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम का सभी परिजनों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान बच्चे लावणी, नेपाली, डांडिया, साउथ इंडियन, जुम्बा, नाटी, किपोप, बिहू, क्लासिकल व वेस्टर्न डांस पेश किया। कराटे डेमोन्स्ट्रेशन व गिद्दा की प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को 4 चांद भी लगे। तीसरी से सातवीं कक्षा से वंशोदिता, प्रबल, दीहर, प्रणित व आव्या को स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना गया। हर मोमेंट को जिंदादिली से जिए। स्कूल डायरेक्टर नीति शर्मा ने कहा कि कोरोना काल ने इंसान को सीख दी है कि आज ही खुश होइए। हर मोमेंट को जिंदादिली से जिए। कल का किसी को कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने कहा 15वां वार्षिक समारोह उल्लास 2022 बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने कई प्रकार के डांस कर सभी का मन मोहा। कहा समारोह 2 सेशन में मनाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी परिजनों का आभार व्यक्त किया। श्रीमती नीति ने कहा कि वर्ष 2008 से लेकर आज तक के सफर की मैगजीन भी लॉन्च की गई है। इस अवसर पर डॉक्टर कीर्ति भाटिया, स्कूल डायरेक्टर विपुल शर्मा, डॉक्टर मनमोहन कौशल, भुवनेश्वरी शर्मा, डॉक्टर सारना गर्ग, निशा वोहरा, ऋषभ चौहान, निशांत वोहरा, प्रभाव सांगरा, एंकर रजत शर्मा, दीपक राघव व राजेश कालिया मौजूद। Thank you.
स्कूल सोलन ने आज अपना 15वां एनुअल डे सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से आयोजित किया। आज के हमारे कार्यक्रम का थीम था उल्लास। उल्लास यानी कि जीवन के हर पल को आप भरपूर जिए और इंजॉय करें। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। कोरोना काल से जो हमें सीख मिली है वो ये है कि कल की इंतजार मत करो, खुश होना है तो आज और हर मिनट होते रहो। इसी थीम पर आधारित आज का कार्यक्रम में भी हमने देश और दुनिया के सभी डांस फॉर्म्स को इकट्ठा कर पिरो दिया था। बच्चों के डांसेस को, चाहे वो लावणी हो, चाहे वो गरबा, भांगड़ा, गिद्दा, इन सब डांस फॉर्म्स के साथ साथ हमने चाइनीज, केपॉप और जुम्बा को भी प्रोत्साहन दिया। बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस देकर अपने माता पिता का दिल जीतने में पूरी तरह से कामयाबी ली। आज के हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर नंदलाल जी, उनका भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ हमारे बीच में पधारे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि नंदलाल जी को इसी 26 जनवरी को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलने वाला है, तो आज जब उनके हाथों से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी अवार्ड्स मिल रहे थे तो हमारे लिए तो वो राष्ट्रपति से के अवार्ड के ही बराबर था। बच्चे भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उनसे प्रेरणा लेते हुए वो लाइफ में और बहुत आगे बढ़ेंगे। सभी पेरेंट्स जिन्होंने जीनियस परिवार का सदैव साथ दिया है, उन सबको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और चाहूँगी और ख्वाहिश रखूँगी कि हमेशा इसी तरह वो हम पर अपने प्यार और आशीर्वाद की वर्षा कायम रखें। के कार्यक्रम के दौरान हमने हमारे स्कूल मैगजीन द जीनियस टाइम्स उल्लास 2022 का भी रिलीज किया है। ये मैगजीन उन सब मेमोरीज को इकट्ठा कर कर पिरोई गई है जो 2008 से लेकर सिंजोई गई थी और 2022 को सेलिब्रेट करते हुए निकली है। हमारी जो मैगजीन है इसके हमने 2000 प्रतियां बनाई हैं जो कि हमारे सब पेरेंट्स को पुराने नए और सब डिपार्टमेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे कि हमारे बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा और उनको आगे चलकर और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने का प्रेरणा मिलती रहेगी। बड़ी मेहनत करके थी यहाँ के अध्यापकों ने, बड़ा प्रसन्नता हुई कि इन्होंने सारे देश की कल्चर को दिखाया इसमें नृत्य में, और बच्चों ने बड़ा मेहनत कर रखी थी, बड़ी मेहनत से बच्चों ने काम किया। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बड़ा कम हो रहा, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसमें इन चीज़ों को रखा। आज मैं बड़ा प्रभावित हुआ इस स्कूल से कि बड़े अच्छे बच्चे को इन्होंने तैयार किया, डिफरेंट टाइप के डांसेस वगैरह विभिन्न प्रकार के नृत्य दिखाए, बहुत अच्छा। सर, हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है, 26 जनवरी को आप जो है राष्ट्रीय सम्मानित होने जा रहे हैं, और इस बारे में क्या कहेंगे? बात यह है कि हमने बचपन से लेकर मतलब इस कला संस्कृति के लिए काम किया और हमारा मतलब बड़ा घराना रहा संगीत का, और मैंने बहुत सारी हिमाचल के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट की है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कंसर्ट की, और बहुत देश विदेश में मैंने यहाँ की कला संस्कृति को पहुँचाया, इसलिए मुझे ये सम्मान मिल रहा है, तो इसलिए मैं सब
हिमाचल की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या विजन क्या है और आने वाले दिनों में क्या करना है कुछ? आने वाले दिनों में ऐसा है कि एक तो हमारी ये जो मतलब संस्कृति है इसमें विकार आ रहा है, जब से ये चलचित्र आए और ये मतलब लोगों के पास टीवी आए, टीवी में जो रिकॉर्ड करने लगे और इसमें से वो जो हमारा सही कल्चर था, जो वास्तविकता था, उसमें बड़ा हो रहा। उसकी जरूरत है कि ऐसे इस कल्चर को, पुराने कल्चर को संभाल कर रखा जाए, इसमें फिर उस तरह का मिश्रण न किया जाए, इसमें हमारी कला संस्कृति को हानि पहुँचे। ठीक है सर, थैंक यू।